संदेश लेना हो वो संदेश ले, दबदबा था दबदबा रहेगा। मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। कुश्ती के अखाड़े में दंगल देखने में मजा आता है, लेकिन खबरों में दंगल तब शुरू हुआ जब खेल मंत्रालय की तरफ से रविवार सुबह खबर आती है कि भारतीय कुश्ती महासंघ पर बड़ा एक्शन ले लिया गया है, जहां मंत्रालय ने आज कुश्ती संघ को रद्द कर दिया और इसके साथ ही हाल ही में WFI के अध्यक्ष बने संजय सिंह की मान्यता भी रद्द कर दी गई। संजय सिंह को फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण चरण सिंह का करीबी बताया जा रहा है। खेल मंत्रालय के इस फैसले के बाद ब्रजभूषण चरण सिंह दिल्ली में JP नड्डा से मुलाकात करने पहुंचते हैं, जिसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने कुश्ती से संन्यास की बात तक कह देते हैं। लेकिन जब WFI के नए अध्यक्ष के रूप में संजय सिंह को चुना गया तो जगह जगह पोस्टर लगे जिसमें लिखा था दबदबा तो है दबदबा तो रहेगा। 21 दिसंबर को खुद ब्रजभूषण चरण सिंह ने क्या कुछ कहा था आप भी सुनिए। अब जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले, दबदबा था दबदबा रहेगा। और ये भगवान ने दे रखा है, ये भगवान ने दे रखा है। रविवार सुबह खेल मंत्रालय के एक्शन के बाद ब्रजभूषण चरण सिंह के तेवर थोड़े बदले हुए नजर आए और उन्होंने खुद दबदबा तो है दबदबा तो रहेगा वाले पोस्टर हटाए जाने की बात की पुष्टि की और मीडिया के सामने इस बात को रखते हुए क्या कुछ कहा सुनिए। लगा कि ये अच्छा नहीं है, थोड़ा इसमें घमंड की बू आ रही है, इसलिए आपको खुद को ऐसा लगा? लोगों ने कहा और मुझको भी बाद में लगा, ये पोस्टर मैंने नहीं लगाए थे, कुछ समर्थकों ने लगाए थे, तो मुझको लगा कि इसमें थोड़ा अहंकार की बुआ रही, इसलिए पोस्टर को मैंने हटवा दिया। बता दें कि संजय सिंह के WFI अध्यक्ष बनने से कई कुश्ती खिलाड़ी नाराज थे। साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया जैसे खिलाड़ियों ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि संजय सिंह ब्रजभूषण चरण सिंह के करीबी हैं और उनका अध्यक्ष बनना खिलाड़ियों के लिए सही नहीं है। इससे पहले खिलाड़ियों ने WFI के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण चरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया था और जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन भी किया था। खिलाड़ियों ने ब्रजभूषण पर कानूनी कार्रवाई की मांग भी की थी।